हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार होगा। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट में पूछा होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। तो दोस्तों आपके लिए फिर वीडियो है जिन्होंने पूछा था, खास करके उनके लिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है कि सेफ्टी का फैक्टर। इंग्लिश बड़ी मज़ेदार चीज़ है इस मामले में कि जो जैसा दिख रहा है वैसा नाम लिख रख दो उसका। तो सेफ्टी का क्या है, ये फैक्टर है। अब देखिए, कोई भी चीज हम जब बनाते हैं तो हम उस पर टेस्ट करते हैं, किस में करते हैं, मोस्टली मशीन में, यूटीएम मशीन में करते हैं। मान लीजिए टेंसाइल में करना है, कंप्रेशन में करना है, मैंने कोई चीज खींचनी है, ठीक है, उसकी टेंसाइल टेस्ट किया और टेंसाइल टेस्ट करने के बाद मेरे पास यहां पर एक पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट आता है भाई साहब, बोल सकते हो? ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता है। अब अल्टीमेट अगर स्ट्रेस पॉइंट पता लग गया आपको किसी चीज का, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास मान लो किसी का आ गया कि कोई चीज बना रहा हूं मैं, बाइक ही आपकी है ना, तो बाइक मैं बना रहा हूं, इस पे आ गया कि अगर इस पे मैं एक बंदे का वजन ले रहा हूं, भी कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, ज्यादा कई बार नहीं होता वेट, तो हमारे पास मान लेता हूं एवरेज 60 केजी मास इनटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी 10 मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, 600 न्यूटन, ठीक है। और मैंने जब टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मुझे पता लगा कि ये 6000 न्यूटन इसका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ रहा है। समझ रहे हो क्या मतलब क्या है कि एक बंदा अगर 600 न्यूटन का, तो 10 बंदे होंगे 6000 न्यूटन के, मतलब इसके ऊपर 10 बंदे बिठाओगे तो ये टूट जाएगी बाइक, ये बाइक फेल हो जाएगी, मतलब 6000 न्यूटन अगर आपने लोड डाल दिया, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं इसमें, मतलब क्या है कि इस बाइक पे कितने बंदे बैठ सकते हैं, इस बाइक पे बैठ सकते हैं 10 बंदे। लेकिन क्या करता है हमारी कंपनी, हमें कहती नहीं जी आप तो सिर्फ दो ही अलाउड है, दो ही पर्सन अलाउड है। वो क्यों करते हैं, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए करते हैं। वो उनको पता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट हमारा कौन सा है और हमारा वर्किंग स्ट्रेस कितना होगा। अल्टीमेट स्ट्रेस आ गया 6000 और वर्किंग स्ट्रेस जानबूझकर सिर्फ 1200 ही रखा मान लो, ठीक है, तो हमने काट के क्या किया 1250, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया 5। तो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज पे टेस्ट करो, टेंसाइल करो, कंप्रेशन करो, कुछ भी करो, इसमें जो पॉइंट खतरनाक वाला पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है, यहां पे हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, वो है खतरनाक वाला पॉइंट कि यहां पे जाके चीज टूट जाएगी, ठीक है। लेकिन इंसान की हैबिट पता है, कंपनी बनाने वालों को पता है कि अगर हम इस पे कहेंगे कि 10 बंदे बैठो, ठीक है, और ये टूट जाएगा, 10 बंदों से ज्यादा मत बैठना, तो फिर भी हम 11वां बिठवा लेंगे। तो कंपनी वालों को पता है हमारी आदत का, तो वो क्या करते हैं, जो भी आप चीज बना के देते हैं, जो आपको बना के देते हैं, उस चीज के ऊपर पहले चेक करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट लाएंगे, उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे रखते हैं। अब जहां तो जान माल का नुकसान ज्यादा होना है वहां पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा रखते हैं, जहां पे जान माल का नुकसान कम है वहां पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई डैम बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जान माल का नुकसान ज्यादा है, वहां पे हमारे पास जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, मान लेते हैं कि 600 है, कुछ भी वैल्यू है 600 है, मैं जानबूझ के फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 रखूंगा। क्यों फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखूंगा? क्यों? ताकि ये यहां पे नुकसान ज्यादा हो सकता है, अगर कुछ हो गया तो मैं कहूंगा वर्किंग स्ट्रेस सिर्फ जी इसकी कितनी है, 60 ना जी, 60 से ज्यादा यूज मत करना, मैं नहीं करंट लूंगा, क्योंकि इसमें जान माल का नुकसान ज्यादा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 रख दी इसकी। अब दूसरी तरफ एक पर मान लो चेयर है, मैंने एक चेयर बनाई, अब चेयर का क्या है,
अगर आप गिर भी गए, ठीक है, इस चेयर से गिर भी गए आप, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोगों की हंसी निकलेगी, ज्यादा से इतना टूटेगा तो नहीं ना। तो यहां क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये जो कुर्सी है वो 200 किलो का भार उठा सकती है, लेकिन मैं इस पर वर्किंग स्ट्रेस लिख दूंगा, वर्किंग सेफ पॉइंट लिख दूंगा, इसे सेफ वर्किंग लोड भी कहते हैं, वो लिख दूंगा 100 किलो, सिर्फ 100 किलो लिख दूंगा। तो ये 200 पे टूटनी थी लेकिन मैं 100 लिख दिया, तो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, सिर्फ 2 इसमें। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो यहां 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2, 2 रख दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमें देखना पड़ता है कि जान माल का नुकसान ज्यादा है नहीं है, वो बाद में टेम्परेचर के कारण, मॉइस्चर के कारण या कुछ और एनवायरमेंट कंडीशन के कारण धीरे धीरे उसकी एज खराब हो जाएगी, जब थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तब वो इतना लोड सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये सारा कुछ देखने के बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड करते हैं, है कुछ भी नहीं। फिर वही बात करता हूँ, आम जिंदगी में एग्जाम्पलें देखो, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर जगह लेके चलते हैं कि हमारा ये लिमिट है मैक्सिमम, इससे कम पे ही काम करें। दोस्तों आपने क्रेन में भी देखा होगा, उस पर लिखा होता है SWL, जैसे इस फोटो में है, तो SWL का मतलब क्या है, सेफ वर्किंग लोड। तो वो 16 टन लिखा है, मतलब क्रेन वालों ने कह दिया कि इससे ज़्यादा अगर आप लोड लगाओगे तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो ये है SWL, ठीक है, ताकि चीज ना टूटे, ठीक है। वो हमारा अलग बात है कि इंसान इस चीज़ों के बारे सोचता नहीं है, ठीक है, उसके सेफ वर्किंग लोड जो है उसको हमेशा पार करता है, और बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो पछताता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, ठीक है। चाहे वो आप चेयर ही तोड़ दें आप, ठीक है, कई बार एक फैट बहुत ज़्यादा हैवी बंदा है वो कुर्सी के ऊपर चढ़ने लगता है, कुर्सी टूट जाती है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा नहीं रखा हुआ ना, क्योंकि ठीक है वो कुर्सी टूट गई क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत चोट लगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक इंजीनियर के हाथ में लाखों लोगों की जान होती है, वो कुछ भी कर सकता है, लाखों लोगों की जान ले सकता है वो एक इंजीनियर के हाथ से। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ। तो आपको समझ आया या नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपको बना के दे सकूं। थैंक यू सो मच।